था, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, इसको जो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, भले चैनल बता दूंगा, टैग्स ऑन लर्निंग के नाम से चैनल है। सेंटर वालों का तो कर दो, अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर आते हैं नीचे, और ये रह गया, सही है, ये हमारा रह गया था, ऐसा ही है। इससे पहले तक का हमने पढ़ लिया था टैक्स शेडो कलर, याद है? टैक्स शेडो के बाद से फर्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं। अब ये दो कोलन आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्यूडो एलिमेंट और एक होता है स्यूडो क्लासेस। दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्यूडो एलिमेंट्स और स्यूडो क्लासेस। स्यूडो वैसे तो इसका पीछे पी आता है, पी स्यूडो आप बोल सकते हो, पी साइलेंट है इसका, ठीक है ना? तो आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो स्यूडो एलिमेंट और स्यूडो क्लासेस के नाम से सर्च करोगे, स्यूडो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एंड स्यूडो क्लासेस, स्यूडो क्लासेस इन सीएसएस, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमारे पास वेबसाइट पे लेकर आ गया। और ये होते क्या हैं, इसकी पहचान क्या होगी स्यूडो एलिमेंट्स स्यूडो क्लासेस की? जो हमारे पास स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं, इसके पीछे दो कोलन लगे हुए होते हैं, इसकी ये पहचान है, सही है? जो स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं, इसके पीछे दो कोलन लगे होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। और जो स्यूडो क्लासेस होता है, उसके पीछे एक कोलन लगा हुआ होता है। जो स्यूडो क्लासेस होता है, जैसे इसके ऊपर ही आ रहा है स्यूडो क्लासेस, इसके पीछे एक कोलन लगा हुआ होगा। स्यूडो क्लासेस आ रहे हैं, इसमें देखो एक कोलन लगा हुआ है। याद इसको इस तरह रख लो, जैसे क्लास लगाने से पहले एक डॉट लगाते हैं ना, तो उसको क्लास वाला हो गया, समझ समझो एक कोलन है ये, और एलिमेंट दो वाला है तो समझ लो कि वो एलिमेंट है, वो स्यूडो एलिमेंट है। जो स्यूडो एलिमेंट होगा उसके अंदर दो कोलन होंगे, ये वापसी से रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्यूडो क्लास होगा उसके अंदर एक कोलन होगा। अब ये हमारे पास सिलेक्टर्स हैं, ये भी जैसे हमने चाइल्ड सिलेक्टर पढ़ा, एडजेसेंट सिलेक्टर पढ़ा, बहुत सारे सिलेक्टर पढ़े थे, ये भी हमारे पास सिलेक्टर ही है, बट ये स्यूडो क्लासेस वाले सिलेक्टर हैं, स्यूडो सिलेक्टर हैं ये हमारे बहुत सारे होते हैं। ये 30-50 के करीब होते हैं, 30-35 के करीब होते हैं ये, ठीक है? 30-35 तक तो मैंने देखे हैं, उसके आगे भी होते हैं मज़ीद, सही है? मैंने तो जब 35 तक तो देखे और यूज़ भी करा। अच्छा जी, इसको यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब है तो आपको समझ में आ गया, ये कौन से हैं, ये स्यूडो क्लासेस हैं या एलिमेंट हैं? स्यूडो क्लासेस हैं, सोच लो, स्यूडो एलिमेंट्स हैं। हाँ उसका देखे देखे हम, आपने बोल के स्यूडो एलिमेंट्स है, लेकिन स्यूडो एलिमेंट्स तो नहीं है, स्यूडो क्लासेस हैं। पहले ये याद तो कर लो, मैंने क्या बताया कि भाई जहाँ पे सिंगल लगा हुआ है इसका मतलब है क्लासेस है, वो क्लास में मैंने बताया ना, इनपुट लगा हुआ होता है, डबल वाला जो होता है वो एलिमेंट होता है। जैसे यहाँ पर इसमें डबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल वाला ही क्लास वाला है, जो डबल वाला कोलन वाला होगा ये होगा एलिमेंट वाला। अभी इसका यूज केस क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इधर आते हैं और एक अपना फोल्डर रेडी करते हैं, और हमारा फोल्डर यहाँ पे किस नाम से था, ये वाला, ऐसे ही है, और क्लास या CSS 07, ठीक है? और इसके अंदर आके क्या करेंगे, ओपन विथ कोड करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू फाइल बना लेंगे और index.html और इस जगह पे लिख लेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स कर लेना, चलो एलिमेंट्स। और सबसे पहले एक CSS की फाइल बनाऊंगा और इसको कनेक्ट करूंगा, style.css। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आकर एक पैराग्राफ लूंगा और इसमें कुछ कंटेंट लिखूंगा और इसको लाइव कर लूंगा, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सही है? अब इसके अंदर हमें अप्लाई करना है, ठीक है? सबसे पहले इधर आएंगे,
इधर आके बनेंगे कि जो हमारे पास पी है, सही है, इस पी के अंदर आपने स्पेस नहीं देना है, समझ लो स्पेस नहीं देना है। बगैर स्पेस दिए आपने करना क्या है, इसको जूम कर देता हूँ मैं, इस पी के अंदर पी लगा के स्पेस नहीं देना है, बगैर स्पेस लगाए। जैसे आप एक कोलन लगाते हो तो सारी सीडो एलिमेंट्स और क्लासेस शो हो रहे हैं, देख रहे हो जितने भी, कितने सारे हैं देख रहे हो, ये सब सीडो क्लासेस एलिमेंट हैं। ये 35 के 60 के करीब लग रहे हैं मुझे कम से कम भी। तो सबसे पहला जो हमारा है, जो हमारी बुक के हिसाब से है, वो है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर ये आ रहा, और ये कौन सा आ रहा है, सीडो एलिमेंट आ रहा है, ऐसे ही है सीडो एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट लेटर। इस फर्स्ट लेटर का मतलब ये है कि हमारे पी का जो पैराग्राफ है उसके पहले लेटर की बात कर रहा है, उसके पहले वर्ड की, पहले लेटर की बात कर रहा है उसके भी। यहाँ पर आगे कलर अगर मैं रेड कर दूँ तो इधर देखो पहला लेटर रेड हो गया। अगर बड़ा करूँ इसको फॉन्ट साइज, जो इसका मैंने फॉन्ट साइज देना सिखा दिया आप लोगों को याद होगा, तो ये इस तरह से कैपिटल भी हो जाएगा। ये कहलाता है हमारे पास सीडो एलिमेंट, जिससे ये काम हो रहा है। एक होता है हमारे पास पूरा फर्स्ट लेटर, जिसके अंदर FIRST फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट लेटर नहीं, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन के मतलब टी का जो टेग है उसका बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो उसकी फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है कि उसकी जो पहली लाइन है उसका जो कलर है वो हो जाए ब्लू। ये वाला कर लिया ब्लू वायलेट, देख रहे हो भाई, इस लाइन में जो भी होगा उसको ब्लू कर देगा। अगर ये छोटा हो जाएगा ना तो नीचे वाले ब्लू होना वो बंद हो जाएंगे, बस जो भी पहली लाइन में मिलेगा उसको वो कलर चेंज करता रहेगा, समझ रहे हो। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट लाइन। एक और होता है पी लगा दिया, पी लगाने के बाद एक लेता हूँ मैं एंकर टैग, एक क्या ले रहा हूँ एंकर टैग, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं लिंक लगा लेते हैं। लिंक लिख दिया, अभी देखो कि यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर इस लिंक का कलर क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा जब वेबसाइट पर हम जाते हैं कोई ऐसी लिंक होता है जिस पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे जिस वेबसाइट पर हम विजिट कर चुके होते हैं ऑलरेडी उसका कलर पर्पल आ रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर duckit.pdf है, मैंने लिखी इस पर, जब हम जा चुके हैं विजिट कर चुके हैं उसका कलर पर्पल आ रहा है, बकाए नीचे वालों का ब्लू आ रहा है, देख रहे हो। तो जब मैं इस पर क्लिक कर लूँगा तो इसका कलर भी पर्पल हो जाएगा, हो गया देखो इसका कलर भी पर्पल हो गया जब मैंने क्लिक कर लिया, क्योंकि मैं इस पर विजिट अप कर चुका हूँ, मतलब क्लिक कर चुका हूँ मैं इस पर। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे कोई इसके ऊपर माउस लेकर जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए, कि जैसे ही इस पर कोई माउस लेकर जाए इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आकर बोलेंगे कि हमारे पास जो एंकर टैग है, जो हमारे पास ए का टैग है, इसके अंदर आपने लगाना है होवर। इस होवर का मतलब है कि जब भी माउस इस पर लेकर जाऊँ तो इसका जो कलर है वो आपने कर देना है ग्रीन। कलर क्या कर देना है ग्रीन, कब करना है, जब मैं इसमें माउस लेकर जाऊँ, तो अभी तो पर्पल है, जब मैं माउस लेकर जाऊँगा तो फिर ग्रीन हो रहा है, सही है। जब इस पर गौर से देखो, जब मैं क्लिक करके रख रहा हूँ, इसको मैंने फिलहाल के लिए हटाया, मैंने इस पर क्लिक करके रखा, देखो मैं यहाँ पर आया अभी कुछ भी नहीं हो रहा, ना कलर चेंज हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जब मैं इस पर क्लिक करके रखूँगा, देखो क्लिक करके रखा मैं, तो इसका कलर हो रहा रेड, सही है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जब इस पर क्लिक करके रखूँ तो इसका कलर रेड नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हमारे पास एक और चीज़ होती है, एक टैग के ऊपर आपने करना है एक्टिव, एक्टिव क्लास लगानी है, जो कि सीडो क्लास है, ये सीडो एलिमेंट नहीं है, ये सीडो क्लास है। मैंने बोला जब एक टैग के ऊपर मैं एक्टिव करके रखूँ तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका कलर हो जाए एक हुआ, कब हो, जब मैं इस पर क्लिक करके रखूँ, बेटा क्या करो इधर फोकस करो, समझ रहे हो। जब मैं इस पर क्लिक करके रखूँ, एक्टिव करूँ, एक्टिव का मतलब है कि माउस मेरा इसके ऊपर है, ये एक्टिव है अभी ये बटन, तो इसका कलर एक हुआ हो जाए। तो देखो जब मैं क्लिक करके रखा मैंने तो इसका कलर एक हुआ हो रहा है, सही है। ये होता है हमारे पास
सीडो क्लासेस। अब जब मैं इस पे होवर वाला ऑन कर दूं कि जब मैं माउस लेकर जाऊं, मतलब कि जब मैं इस पे माउस लेकर होवर करूं तो इसका कलर ग्रीन हो जाए, सही है, और जब क्लिक करके रखूं तो एक वो हो जाए, अभी दबा के रखा हुआ है वो सिर्फ माउस ले जाने से ही हो रहा है। अब इसके नीचे की लाइन हटानी है, क्या करूँगा, मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया था ना, पता नहीं भूल गए थे, हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन। हमारे पास जो एंकर टैग है, जब मैं इसे माउस लेकर जाऊं तो इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन हो जाए, तो अभी तो आ रहा है, जब मैं माउस लेकर जाऊंगा वो हट जाएगा, सही है। इसी तरह से हमारे पास होता है एक और वो होता है वॉइस पे लगेगा, हमारे पास एक इनपुट है HTML का जिसकी टाइप आ रही है टेक्स्ट, प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर लिख लेते हैं कि एंटर योर नेम, कि अपना नाम एंटर करो, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, देख रहे हो। अब जब मैंने इस पर क्लिक करा, मतलब कि अभी मेरा इसके ऊपर फोकस है कि मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ, फोकस एक जगह पर है मेरा, समझ रहे हो, मैं टाइप कर रहा हूँ तो कहीं और टाइप नहीं होगा, इसी में ही होगा, फोकस है मेरा इसके ऊपर, तो इसे बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पर इस फोकस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि देखो, जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो बॉर्डर आ रहा है ये नहीं आना चाहिए, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर जो मेरा फोकस हुआ हुआ है तो ये कलर नहीं, ये बैकग्राउंड इसका जो बॉर्डर है ब्लैक आला चारों तरफ आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा इधर आकर कि मेरे पास जो इनपुट टैग है, सही है, इसके ऊपर जब फोकस हो, इसके ऊपर जब फोकस हो, कोलन लगा के बोला, स्टूडियो क्लास का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जब इसके ऊपर फोकस हो तो इसका जो आउटलाइन जो आ रही है उसे वो आउटलाइन बोलते हैं, बाहर की तरफ है ना वो आउटलाइन, उसकी नन कर दो, समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आउटलाइन नहीं आ रही है, जब इस पर फोकस है जब नहीं आ रही है, समझ रहे हो। या मैं ये भी बोल सकता हूँ जब इस पर फोकस हो तो इसका इनपुट टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, कब ब्लैक करना है, जब इस पर फोकस हो, अभी तो नहीं है ब्लैक, जब इस पर फोकस होगा तो इस तरह हो जाएगा, उस टाइप करूँगा तो ब्लैक में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, जब फोकस हो तो इसके अंदर का जब मैं कलर जब लिखना स्टार्ट करूँ तो वो सीनो होना चाहिए, अंदर का वाइट आ गया, समझ गए किस तरह से हो रहा काम, कोई सवाल है अदलक? अच्छा भाई, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो प्लेस होल्डर का कलर आ रहा है, समझ रहे हो, इसका प्लेस होल्डर का कलर आ रहा है ये भी चेंज हो जाए, अंदर का कलर, समझ रहे हो, जो अंदर का प्लेस होल्डर का जो इंटरव्यूर नेम लिखा हुआ है ये कलर भी चेंज हो जाए। इसके लिए हमारे पास स्यूडो एलिमेंट आता है, अभी इससे पहले क्लास पढ़ रहे थे, अब आता है स्यूडो एलिमेंट, इनपुट लगाया, दो कोलन लगा के हम बोलेंगे प्लेस होल्डर, ये जो इसके अंदर का प्लेस होल्डर है इनपुट के अंदर का, इसका जो कलर है वो हो जाए ब्लू, बाय डिफॉल्ट ब्लू रहे वो, समझ में आ रहा है कि जब अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अंदर का ब्लू कलर आ रहा है, जैसे टाइप करूँगा तो वाइट हो जाएगा, वो हट जाएगा। ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया ना 50-50 के करीब होते हैं स्यूडो एलिमेंट और क्लासेस, प्लेस होल्डर हो गया, फोकस हो गया, एक्टिव हो गया, होवर पड़ा, फर्स्ट लाइन पड़ा, फर्स्ट लेटर पड़ा, और भी बहुत सारे हैं, आगे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, कौन कौन से और देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डिव हैं, ये इंटरव्यू के अंदर भी सवाल हो जाता है कि यहाँ पर मेरे पास एक बहुत सारे डिव हैं, सही है, ना ही इसकी कोई क्लासेस है, ना ही कोई इसका कुछ है, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है। या इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक UL है जिसके अंदर मेरे पास LI हैं, कितने 10,
सही है, यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। मेरे पास 10 एल आई हैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक छोड़कर एक पर कलर हो जाए। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक छोड़कर एक पर कलर हो जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। तो मैं आपको अगर बोलूँ कि ये काम करना है तो आप क्या करोगे? कैसे लगाएंगे, मतलब एल आई करके कैसे लगा देंगे? अगर एल आई करेंगे तो सफर हो जाएगा, है ना? क्लास कर लोगे, करोगे, मतलब के मतलब सेम सबके अंदर सेम नाम की क्लास लगा दोगे। लेकिन इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा कि ना आपको क्लास लगाने की इजाज़त है, ना आईडी लगाने की इजाज़त है, सही है। टैग भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन टैग के जरिए लगाओगे तो सारा भी हो जाएगा। आपको बगैर सिलेक्ट कर ही करना है, एक छोड़कर एक पर कलर, ये इंटरव्यू में सवाल होता है, समझ रहे हो? ना आपको क्लास की इजाज़त है, ना आपको आईडी की इजाज़त है, इसके अलावा और कोई सिलेक्टर भी नहीं है हमारे पास। ऐसा मतलब सिलेक्टर तो आपको यूज़ करना ही नहीं है, मतलब ना आईडी और क्लास के अलावा और कोई ये भी नहीं हमारे पास। तो एक छोड़कर एक पर कलर करना ये इंटरव्यू के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आती है स्यूडो क्लास, इसके लिए सही है, वो ये सारा काम करके देगी। हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास यूएल है, जो बल्कि हमारे पास एलआई है, एलआई है, इस एलआई के ऊपर आपने लगा देना है एंथ चाइल्ड। नाम सुना होगा अक्सर, यूट्यूब वीडियो में भी देखा हो आप लोगों ने शायद के, एंथ चाइल्ड, एंथ चाइल्ड, ये स्यूडो क्लास है ये, सही है। और अब इसके अंदर हम ये बताते हैं कि हर एक छोड़ने के बाद आपने जैसा भी नंबर वन लिखा मैंने, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वाले का कलर कलर करना है, मतलब कि कलर कर दो या कुछ भी कर दो, सबसे पहले वाले का आपने जो है कलर कर देना है, कौन सा, ऑरेंज कर लेते हैं। मतलब एंथ चाइल्ड का मतलब है कि सबसे पहले वाले का कलर आपने ऑरेंज कर देना है, सही है। यहाँ पर मैंने लगा दिया दूसरे वाले का कलर आपने ऑरेंज कर देना है, हाँ? मतलब मल्टीपल ऐसे ऐसे बोल रहे हो? तो यहाँ पर अब ये देख रहे हो कि वहां पर उसको हमने टारगेट नहीं करा, मतलब एलआई को वहां पे कोई क्लास नहीं दी, कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली काम हो रहा है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है कि मैंने बोला एक छोड़कर एक पर कलर हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू के आगे लगा देंगे एन। इस एन का मतलब क्या है कि हर एक छोड़कर एक पे कलर करना है, मतलब ये है कि मतलब दूसरे का मतलब ये है कि दूसरे से स्टार्ट करना है, दो फिर दूसरे के बाद एक छोड़ के एक। अगर मैं यहाँ पे वन कर दूँ तो वो पहले से चलना स्टार्ट होगा, लेकिन वो सब पे कलर कर देगा, समझ रहे हो? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक छोड़कर एक पर हो, तो इस तरह कर सकते हैं। ये होता है इंटरव्यू में सवाल, उसका आंसर ये होगा एंथ चाइल्ड लगाकर, समझ रहे हो? अब ये एंथ चाइल्ड जो है बहुत सारे तरीकों से चलता है, ये एंथ चाइल्ड जो है बहुत सारे तरीकों से चलता है, ये इसकी बड़ी डिटेल है। मैं इसको दो चार तरीकों से चला के दिखा देता हूँ, कमेंट कर दूंगा ताकि जो है चीज़ें आपको जहन में रहे कि कौन कौन से तरीकों से चल रहा है ये। ये अभी हमने लिखा कि दो के बाद से अगर मैं तीन कर दूं तो देखो तीन तीन के बाद से चलना स्टार्ट होगा और एक एक के ऊपर कलर करते रहेगा, इस तरह भी होगा। आप इसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि तीन के बाद प्लस वन करें और उसके आगे एन लगा सकते हो, ऐसे नहीं, इस तरह से टू एन के अंदर प्लस वन, ऐसे भी हो जाएगा। इससे पहले एक मसला आ रहा था हमारे पास कि जब मैं वन करता हूँ तो वन पे हो जाता है, अगर मैं टेन करता हूँ तो टेन पर हो जाता है, या जब मैं इसको वन एन करता हूँ तो सब पर हो जाता है, या जब मैं चाह रहा हूँ कि एक छोड़कर एक पर हो तो टू से चलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि वन से चलना स्टार्ट हो। तो इस जगह पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि टू एन
प्लस वन, तो फिर वो इस तरह चलेगा, समझ लो। फिर इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी हो सकती हैं, आप थ्री के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। तो वो अब वो चल तो पहले से रहा है, लेकिन एक एक गेप छोड़ छोड़ कर चल रहा है, वो दो का बीच में गेप दे रहा है वो, समझ रहे हो। एक ये तरीका भी हो सकता है, दो तीन तो अभी इसमें मैंने बता दिए, इसको कॉपी करते हैं। और भी इसके तरीके हैं, सिंपल इतनी लॉजिक लगाने से बेहतर है कि आप कर दो इविन, आप क्या कर दो इविन, वो इविन नंबर में चलना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। आप इसमें कर दो ओड, ये ओड नंबर में चलना स्टार्ट हो जाएगा, बगैर कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा काम, समझ रहे हो। तो एक चीज याद रखो कि ये जो है nth चाइल्ड जो लिखा हुआ है, चाइल्ड वर्ड पे गौर करो कि ये हमेशा चाइल्ड पे ही काम करेगा, इसका कोई ना कोई पेरेंट होना जरूरी है। जैसे मैंने यूएल एलआई के अंदर जब भी लिया था, इसलिए मैंने सारे डिव हटा दिए थे वो, समझ रहे हो, चाइल्ड होना जरूरी है। अच्छा ये तो हो गया, ये और भी स्टूडो क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने बोला जो मेरे पास एलआई है, एलआई क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि चाइल्ड वाली क्लास लगाना चाह रहा हूँ कि इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड मतलब एलआई का जो सबसे पहला नंबर वाला चाइल्ड है, जो हमने यहाँ पे पहला नंबर सिलेक्ट कर रहे थे ऊपर, इसके अंदर का कलर क्या करना है, रेड, सिर्फ किसका, पहले वाले का। ये इंटरव्यू में हो सकता है कि आपने एलआई को सिलेक्ट नहीं करना, आपके बहुत सारे एलआई है, कलर करना है पहले वाले पे, तो ये चला सकते हो आप लोग। अब अगर मैं एलआई करूंगा सिंपल तो सब पे कलर हो जाएगा, समझ लो। क्लास लगाने की इजाजत नहीं है, आईडी लगाने की इजाजत नहीं है, तो ये तरीका है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होता है एलआई का लास्ट चाइल्ड, जो लास्ट चाइल्ड है इसका जो कलर है वो हो जाए रेड, तो लास्ट वाले का हो जाएगा। अगर किसी बीच में से करवाना है तो फिर आपको एंथ चाइल्ड लेना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा भाई, और भी होते हैं हमारे पास एलआई के अंदर, आफ्टर होता है, बिफोर होता है, इसको देखते हैं। आफ्टर हमारे पास नॉर्मली देखने को मिलेगा यूट्यूब पे कोई भी स्टाइलिंग करते हुए, शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हो इसको। ये अक्सर मॉडर्न वेबसाइट में डिजाइन करने के काम में आता है, मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रियल एग्जांपल देता हूँ मैं, कि व्हाट्सएप लिख लेता हूँ, इसके अंदर ये स्टाइलिंग होगी होगी इसकी, व्हाट्सएप फॉर वेब, इधर आ जा भाई, व्हाट्सएप आ रहा है। जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ पीछे नीचे एनिमेशन चल रही है, ये इसी आफ्टर इफेक्ट से चल रही है, ये जो इस पर माउस लेके जा रहा हूँ ये एनिमेशन चल रही है, आफ्टर इफेक्ट से चल रही है, आफ्टर उसी आफ्टर से ही है। तो ये अक्सर इसका काम क्या है बेसिकली, कि एलआई के आफ्टर में, आफ्टर मतलब बाद में, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो कि लेनी पड़ेगी किसी भी सूरत में, चाहे इससे काम करो नहीं करो, कॉन्टेंट नाम की। कंटेंट, कंटेंट का मतलब है कि एलआई के बाद में आप कोई डेटा ऐड करना हो आपको, आपको हिस्ट्री में लिखने की इजाज़त नहीं है, एलआई के बाद कुछ लिखना भी है तो आप इस नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। आपको लिखने की इजाज़त नहीं है हिस्ट्री में, आपको सीएसएस से लिखना है तो आप ये यूज़ करोगे। इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल एलआई लिख दिया, मैंने बोल दिया यस लिख दिया, तो अब हर एलआई के आगे, आफ्टर के आगे क्या लिखा हुआ आएगा, यस। हटाता हूँ इसको, इधर आते हैं, कोड आया, क्या लिखा हुआ आ रहा है, यस यस यस, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। बट ये देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये देख रहे हो, यस तो लिखा हुआ आ गया बट ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन काम हो गया। ये होता है आफ्टर। एक होता है इसी तरह से बिफोर, कि अगर इसके पहले कुछ लिखना है, इस एलआई के बिफोर मतलब पहले कुछ लिखना है आपने, इसमें भी कंटेंट होता है, सही है। और इसके कंटेंट के अंदर आप कर दो नो, तो सबके पीछे नो 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 इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर अलग से उसमें कलर करना है अपने, सिर्फ बिफोर वाले में कलर होगा
रेड कर देंगे, सबके पहले वाले में कलर आ रहा होगा। स्पेस अगर देना है तो इस तरह स्पेस दे सकते हो। समझ में आ गया? ये बड़े काम की चीज़ें हैं। यूज़ क्यों होगी? अभी तो बताया वेबसाइट पे ले आकर कि व्हाट्सएप वाले पे जैसे नीचे एनिमेशन आ रही है उस टाइप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपके दिन में सवाल आ रहा होगा तो ऐसा तो यहाँ पे कहीं काम ही नहीं हो रहा। तो हमें काम बनाना पड़ेगा, होगा नहीं, खुद से स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो वो भी हम देखेंगे कभी टाइम मिला तो। अच्छा भाई, यहाँ तक कोई सवाल है आफ्टर बिफोर में? ये सब अभी तक हम क्लासेस पढ़ रहे हैं, स्टूडियो क्लासेस, स्टूडियो एलिमेंट्स। आपके आने से पहले मैंने बताया था, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेना कर जाकर, सही है? स्टार्टिंग में जो क्लास निकली है। तो हमारे पास इस एलआई के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैकड्रॉप होता है, इसको खैर छोड़ो, क्यू होता है, इसको छोड़ो, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन ये हमने पढ़ लिया। मार्कर होता है, मार्कर भी यूज कम होता है वैसे तो, प्लेस होल्डर हमने पढ़ा। सिलेक्शन, इस सिलेक्शन के अंदर होता क्या है बेसिकली, मैं कलर कर रहा हूँ रेड, तो देखो जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका कलर रेड हो रहा है। जैसे हम पहले सिलेक्ट करते थे ना तो इसका कलर कौन सा होता था? ब्लू आता था, देख रहे हो, इसका कलर ब्लू आता था। अब मैं बोल रहा हूँ जब मैं सिलेक्ट करूँ तो इसका कलर रेड हो जाए, जो जो सिलेक्ट होते जाएगा उसका कलर रेड रेड होता जाए। तो देखो, या इसका बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं कि जब जिस जिस जिसको मैं सिलेक्ट करते रहूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड होता जाए, देख रहे हो, इस तरह भी कर सकते हैं। कोई सवाल है? मतलब पूरी वेबसाइट को आप गोला गंडा बनाने की कोशिश नहीं छोड़ो, सब काम हो जाएगा इसके अंदर, जो भी आप चाह रहे हो। आप ये साइड में से स्क्रोल बार हटाना चाह रहे हो ये भी हटा सकते हो, सब कर सकते हो इसमें, पूरी वेबसाइट की एक एक चीज़ छेड़ सकते हो आप लोग। आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है इसको सिलेक्ट ही नहीं कर सके, ऐसा देखा है ना कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सिलेक्ट ही नहीं हो रहा होता, समझ रहे हो? क्योंकि ये अक्सर जो है ना उसमें होता है, एग्जाम के अंदर होता है कि हम लोग ये चाह रहे होते हैं कि यूज़र सिलेक्ट करके जो चैट जीपीटी पे डालते हैं ना तो सिलेक्शन का ऑप्शन ही नहीं हटा देते हैं, ये सिलेक्ट ही नहीं कर सके वो, तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे होगा उसको देखते हैं। इसमें से एक प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर आते हैं, इसको हमने लगा दिया सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एलआई लगाकर हमने देखा क्यू देखा, ये मार्कर देखा, पार्ट देखा, शेडो हो सकता है, स्लोटेड होता है, बहुत सारे होते हैं ये, टारगेट टेक्स्ट हो गया, व्यू ट्रांजिशन, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, और एक्टिव मैंने बता दिया। एनी लिंक का मतलब ये कि कोई भी लिंक हो। इस ब्लैंक का मतलब है कि कोई भी हमारे पास खाली जगह हो उसके अंदर कलर कर दो, खैर ये भी इतना यूज़ नहीं होता। चेकड होता है, चेकड वाले के ऊपर वो होता है जैसे हमारे पास इनपुट टाइप चेक होता है, उस चेक वाले पे काम करेगा। कॉर्नर, प्रेजेंट, करंट, ये भी काम का नहीं है। डिफॉल्ट, डिफाइंड, डीआईआर, डिसेबल, डिसेबल का मतलब है कि एलआई को सारा को डिसेबल करना है, जो जो डिसेबल हो रहा है उसके ऊपर कुछ काम करना हो तो इस तरह से खैर काम करेगा ये। इसको छोड़ देते हैं, ये यूज़ नहीं हो रहा है इस वजह से मैं बता नहीं रहा। मैं इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने बताया था, एंड हो गया, इनेबल्ड हो गया, फर्स्ट मैंने बताया था, फर्स्ट चाइल्ड बताया था, फर्स्ट ऑफ टाइप भी होता है, फोकस पे, मैंने सारे यूज़ करे हैं मैंने। आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो घर पे आके इसको आराम से पढ़ सकते हो। होवर मैंने बता दिया, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रेंज भी होता है, यूज़ करा मैंने, लास्ट ऑफ चाइल्ड, लेफ्ट, लिंक तो वही है सिंपल, जिस लिंक पे हम काम कर रहे हैं ना वो लिंक है बस, वो उसी की बात कर रहा है ये। नो मैच, मैचेस हो गया, नोट हो गया, लास्ट चाइल्ड हमने देखा, एंड चाइल्ड देखा, ओनली चाइल्ड देखा, उसी की तरह काम करेगा, मिलता जुलता। पाज होता है, इसी तरह से पोज होता है वगैरह। रीड ओनली, इस रीड ओनली का मतलब है कि एलआई की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सिर्फ हमारे पास रीड ही हो सकती है। इसके ऊपर जैसे कि मैं ये लेकर जा रहा हूँ ना, क्या हो गया, ये हमारे पास जो कलर रेड आ रहा है, अगर मैं इसका कलर ग्रीन कर दूं, ये बेसिकली होता किस लिए कि जैसे यूजर को आप दिखाना चाह रहे हो इसे रीड के लिए, ये मतलब ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट का पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है, ये से इसको रीड कर लो आप। जैसे आप किसी चीज़ पर फोकस दिलाना चाह रहे हो ना यूजर को, फोकस देने के लिए, ये उस चीज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। इसका वैसे काम और डिफरेंट भी है,
अच्छा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ही हैं, सारे तो खैर मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, ये आते हैं हमारे टोटली स्यूडो क्लासेस, स्यूडो एलिमेंट्स। तो आगे चले हैं, बहुत है सोच के लिए, करो प्रैक्टिस करो, एक एक करके लगा के चेक करो, सही है। एक घंटा है आप लोगों के पास पूरा का पूरा, ये सारा मैंने पढ़ाया था, अगर टाइम बचा तो हम आगे और कंटिन्यू कर लेंगे। देख लेते हैं, बुक के अंदर जाते हैं, पहले बुक के अंदर हमने फर्स्ट लाइन पढ़ा, फर्स्ट लेटर पढ़ा, लिंक पढ़ा, विजिटेड, विजिटेड की बात कर लेते हैं, विजिटेड हमने छोड़ दिया लग रहा है। विजिटेड का मतलब है जैसे कि इस पर मैं विजिट कर चुका हूँ, सही है। जो अगर इधर इस पर विजिट कर ले एक बार, तो इस एंकर टेक का कलर विजिटेड, इस एंकर टेक का कलर जो है वो हो जाए ये वाला ब्राउन। कब हो? जब इस पर विजिट कर चुका हो। तो हम इस पर मैंने दिखाया था, क्लिक कर लिया था, तो हम इस पर विजिट कर चुके हैं, ये बता रहा है ये कि विजिटेड होता है ये। अच्छा विजिटेड देख लिया, लिंक हो गया, इसके अलावा होवर देखा, एक्टिव देखा, फोकस देखा। अब ये मजीद कुछ और सिलेक्टर्स आ रहे हैं जो कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम पी को टारगेट कर रहे थे, अगर पी की किसी क्लास को टारगेट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इतना यूज नहीं होता। क्लास का नाम देके भी टारगेट कर सकते हैं, सही है। मतलब कि ये किस तरह से कह रहा है, ये इस तरह से कह रहा है, जैसे आपके पास दो पी हैं, आपके पास दो पी हैं, ठीक है, आपको बोला जाए कि इसमें से एक पी के अंदर कलर करना है और एक पी के अंदर कलर नहीं करना है, समझ रहे हो। और ना ही कोई क्लास है आपके पास, ना ही कोई आईडी है, इस तरह का भी कुछ हो सकता है, तो आप लोग एंड चाइल्ड तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर इसको क्लास इसके जरिए टारगेट करना है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहा है क्लास के जरिए भी करना चाह रहे हो, तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर एक क्लास लगा लेते हैं, लेकिन ये काम बस लंबा है, पहले के टाइम पे हुआ करता था। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया डॉग, लगा दिया जो उन लोगों ने दिया था, मैंने डॉग लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से इसको बोलूँगा कि जो हमारा पी है, इस पी के अंदर आपको एक क्लास मिलेगी, ठीक है, जिसकी क्लास का नाम होगा डॉग। तो आपने उसके ऊपर क्या कर देना है, कलर कर देना है, कौन सा वाला, ये वाला, तो देख रहे हो उसी उस पर कलर कर रहा, ऊपर वाले पे नहीं कर रहा, फालतू का लंबा घुमाया। तो सिंपल जो है आप क्लास ही दे देते डायरेक्टली के डॉट डॉग नाम की जो क्लास है उस पर कलर हो जाए, तो भी इस पर ऐसे हो जाएगा, तो फालतू का लंबा घुमा रहे हैं। तो ये खैर बुक पुरानी है, पुराने टाइम पे इस तरह से हुआ करता था। तो यहाँ पे यही तरीके दिखा रहा सारा, ये सबके अंदर कुछ ना कुछ अपने काम दिखाई रहा है कि ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा बॉक्सेस का, जो कि नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा। हाइट वेट तो हमने पढ़ ली है, मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, और फिर इसको देखते हैं कैसे काम करते हैं। प्रॉपर वेबसाइट, हाँ हाँ।